हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज संदीप और मैं आपके लिए लेके आया हूँ पावर पैक स्टॉक्स प्लस इंडेक्स एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। और एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आप डेली मेरे साथ जुड़े रहें, और हमारा कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो जो कि ओनली 1000 रुपीज का कोर्स है। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का वो कोर्स रहता है जिसमें बेसिक्स टू एडवांस तक का पूरा सिलेबस आपका कवर होता है, यानी हर एक टॉपिक आपका कवर होता है। चलो फिर शुरू करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, अगर ये सीरीज पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज देखते हैं निफ्टी को। अगर निफ्टी को आज देखोगे तो आज एक बहुत डबल बॉटम बनने के बाद बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिली। डबल बॉटम बनने के बाद निफ्टी के अंदर बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिली और यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल मिला। बट स्टिल एक चीज हमें ध्यान रखने लायक रखनी होगी कि अभी भी निफ्टी इन कंसोलिडेशन जोन, अभी भी निफ्टी ने ना अपसाइड ही ब्रेक दिया है ना डाउनसाइड ही ब्रेक दिया है। तो अगर ये आज निफ्टी ब्रेक कर देता 17,000 के लेवल को और तो फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकती थी, बट नो, जैसी आज रिकवरी आई है चांसेस मुझे लग रहा है कि कल को भी बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हुआ क्या था आज, तो यहाँ पे यहाँ से निफ्टी शुरू हुआ हमारा, हमारी ओपनिंग यहाँ थी, यहाँ के बाद शार्प डाउनसाइड देखने को मिली, उसके बाद हल्का सा एक रिकवर हुआ था, फिर डाउनसाइड देखने को मिली। तो जब ये डाउनसाइड देखने को मिली थी, मैं देख रहा था अकॉर्डिंग टू डेटा जो डेटा था वो बियरिश के फेवर में था। मैंने आज एक चीज और नोट की कि डेटा भी कई बार मतलब डेटा भी हर बार आपकी हेल्प नहीं करता है, तो आपको बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए। क्योंकि आज मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं डेटा पे पूरा पूरा कह सकते हो कि बहुत डिपेंडेंट भी बोलेंगे और बोलेंगे कि मुझे डेटा पे विश्वास था कि डेटा अगर कह रहा है कि बियरिशनेस है और प्राइस एक्शन भी कह रहा है बियरिशनेस है, तो फर्दर यहाँ से एक ब्रेकडाउन और देखने को मिलेगा। बट अगर आप देखोगे 5 मिनट चार्ट के अंदर देखोगे यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे निफ्टी ने एक डबल बॉटम बनाया, ठीक है। और जबकि यहाँ तक हमें प्योरली क्या लग रहा था कि ठीक है, एक ये क्या था हमारा लोअर हाई था, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई था, फिर लोअर लो बनने के चांसेस थे। बट जो यहाँ से रिकवरी आई इतनी शार्प रिकवरी थी, और ये रिकवरी वैसे दिख 5 मिनट की कैंडल पे रही है, ये रिकवरी पर 1 मिनट के अंदर आई थी, इतनी शार्प रिकवरी थी। मैं डेटा चेक ही कर रहा था, इतनी देर में रिकवरी आई और मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो ठीक है, ये लेसन था कि तुम्हें चार्ट पे थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए ऐसे केसेस में। तो कहीं की कुछ, क्योंकि मार्केट में देखो कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए ऑलवेज बी वेरी वेरी एक्टिव इन ऑप्शन ट्रेडिंग स्पेशली। तो इसके अंदर एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, डबल बॉटम बनाया। हालांकि देखो तो ये वाला लेवल तो इसने एक बार को ब्रेक किया था, बट इसने जो शार्प रिकवरी उसके बाद दिखाई तो देखने लायक थी। और अगर हम देखते हैं, ये रिकवरी बैंक निफ्टी के अंदर भी आई थी, उसके बाद एक हल्का सा डाउनसाइड, फिर एक थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद इसने जाते जाते फिर एक ब्रेकआउट दिया है। बट लास्ट की 5 मिनट कैंडल थोड़ा सा डाउनसाइड दिखा के गई है, बट इट्स ओके। बट यहाँ पे कौन बायर्स आए थे, ऑब्वियसली यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो चाहते हैं कि मार्केट डाउन ना जाए, जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स या फिर फॉरन इन्वेस्टर्स में भी हो सकते हैं, उन्होंने बाइंग की हो आज। क्योंकि जो जैसी रिकवरी आई थी तो डेफिनेटली बड़े हाथों ने बहुत ज्यादा संभाला है आज, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि जहां हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स या फिर बड़े बड़े लोग चलें वहीं चलना चाहिए हमें, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग प्योरली क्या लग रहा है, बुलिशनेस लग रही है। तो कल को भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फर्दर बुलिशनेस निफ्टी के अंदर। तो जो हमारा स्टॉप लॉस है कल की निफ्टी के लिए, जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो आज की कैंडल का ओपनिंग रहेगा,
ध्यान रखना, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस रखना आज की कैंडल का ओपनिंग, जो कि 17,150 मान के चल लो, 17,150 हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर ये 17,300 को ब्रेक कर देता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 17,500 तक का मूव निफ्टी के अंदर कल को देखने को मिल सकता है, यानी 250 से 280 पॉइंट का मूव निफ्टी के अंदर कल को देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर 17,500 ब्रेक हुआ विद गुड कैंडल तो हम फर्दर एक बुलिशनेस जो है मार्केट के अंदर देख सकते हैं। और अगर कल को डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है, यानी अभी जो ये कंसोलिडेशन जिस साइड में ब्रेक होगी तो उसी साइड में हमें फर्दर मूव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट डबल बॉटम, जब मैं चेक कर रहा था तो निफ्टी तो फिर भी बियरिशनेस दिखा रहा था, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बियरिशनेस नहीं दिखा रहा था, तो मुझे डाउट तो वहां पे आ ही गया था, मुझे डाउट तो वहां पे आ ही गया था, क्योंकि बैंक निफ्टी इतनी वीकनेस नहीं दिखा रहा था जितना निफ्टी दिखा रहा था। और अगर बैंक निफ्टी वीकनेस ना दिखाए तो वो निफ्टी को भी साथ में खींचता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि निफ्टी के अंदर बैंकिंग के स्टॉक्स हैं जो हाई पावर के अंदर रहते हैं, तो अगर वो अगर बैंक निफ्टी को उठा रहे हैं तो डेफिनेटली वो निफ्टी को भी साथ में खींचते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मुझे डाउट डाउट क्या, मुझे श्योरिटी हो गई थी, फिर भी डेटा उतना बुलिश नहीं आया था उस टाइम तक, क्योंकि अब डेट होने में थोड़ा टाइम लगता है डेटा को, बट उस टाइम तक इतना आया नहीं था डेटा, तो इसलिए मैंने कॉल भी नहीं ली थी। बट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम यहाँ पे डेफिनेटली कॉल ले सकते थे, हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ का रह सकता था, तो जिसने ली होगी तो उसकी बल्ले बल्ले हुई होगी आज, एक अच्छा खासा मस्त ट्रेंड उसने जो है पकड़ के रखा होगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं फर्दर बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के लिए, ठीक है, और निफ्टी के अंदर भी फर्दर बुलिशनेस देखने को हमें मिल सकती है। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, अब स्टॉक की बात कर लेते हैं, भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, जिनको स्विंग ट्रेडिंग करनी है उनके लिए भी ये स्टॉक है। तो अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा सेफ्टी, डिफेंसिव ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 696 पे, डिफेंसिव ट्रेडर के लिए 696 पे स्टॉप लॉस रहेगा। या फिर जिनको पोजिशनल ट्रेड भी लेनी, जो थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर है तो इस कैंडल का लो रखेंगे, वो होगा 715 का स्टॉप लॉस, बाय करके भारतीय एयरटेल को रख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और अगर हम इंट्राडे की भी बात करें, अगर हम इंट्राडे की बात करें तो क्योंकि इसके अंदर एक शार्प अप ट्रेंड देखने को मिला हुआ है, शार्प अप ट्रेंड देखने को मिला है, तो हम ये नहीं कि कल को अगर थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो बाय करेंगे, नहीं, एक बार थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा सा इसको एक बार रिवर्स होने दो, एटलीस्ट यहाँ तक तो रिवर्स हो, तो अगर ये यहाँ के अराउंड आ जाता है और यहाँ के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश कैंडल हमें देखने को मिलती है तो हम डेफिनेटली भारतीय एयरटेल को कल के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे रख सकते हैं, बाय करके रख सकते हैं, और जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रहता है आप उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा पूरा ट्रेड मैनेज कर सकते हो, बट भारतीय एयरटेल बाइंग के रडार पे हमें रखना है। द नेक्स्ट स्टॉक इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी देखोगे तो काफी टाइम का कह सकते हैं कि फरवरी से पहले तक का, फरवरी से मार्च तक का, यानी 2 महीने का कंसोलिडेशन बोल सकते हो इसे, 2 महीने का कंसोलिडेशन बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज ब्रेक किया है, वो भी अगर डाउन साइड पे देखो कितनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से, 3 दिन से लगातार वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही है, तो दैट मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ आ रही है और बिग प्लेयर्स आर टेकिंग इंटरेस्ट इन बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करके चल सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एग्रेसिव ट्रेडर के लिए, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 600, 104 का लगभग स्टॉप लॉस रहेगा हमारा डिफेंसिव ट्रेडर के लिए, और 109 या 108 के बीच का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा हमारा डिफेंसिव ट्रेडर के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो अभी थोड़ा सा बाय मत करना, क्योंकि ट्रेंड जो है वो एक्सटेंड हो चुका है, तो एक बार हमें एक रिवर्स मिलने दो, ठीक है, अगर हमें थोड़ा फर्दर यहाँ तक हमें मिल जाता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय करके चल सकते हैं। अगर कल को मार्केट प्योरली बुलिशनेस रहती है तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ रिट्रेस भी ना करें और हमें एग्रेसिव बाइंग देखने को मिले, बट फिर भी अगर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखना कि यहाँ पे थोड़ा सा तो एटलीस्ट हमें कंसोलिडेशन मिले, उसके बाद ब्रेकआउट मिले तो वो स्ट्रोंग रहेगा, क्योंकि ट्रेंड ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी ट्रेंडेड को भी कभी भी एक्सटेंडेड ट्रेंड के अंदर
ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि लॉसेस के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस छोटे छोटे ही होते हैं। ठीक है, अगर बड़ा रखोगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है। ठीक है, तो छोटे स्टॉप लॉस हिट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए एक्सटेंडेड ट्रेंड को कभी भी ट्रेड मत करो। क्लियर। नेक्स्ट इज आइसर मोटर। आइसर मोटर को देखोगे तो इसने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया था। अगर हम देखें प्राइस एक्शन को प्योरली, तो ये पहले एक, इतना दूर नहीं जाना चाहूंगा मैं, फिर भी यहाँ डबल बॉटम बनाया था। डबल बॉटम के बाद इसने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम दी, उसके बाद एक डाउन साइड मोमेंटम दी, फिर डाउन साइड दिखाया, बट फिर यहाँ पे बुलिशनेस आई, फिर इसने एक प्योर डाउन साइड दिखाया। अब इसने एक न्यू हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो बना के आज फिर इसने अपसाइड में एक स्ट्रेंथ दिखाई है, और वो भी वॉल्यूम्स के साथ। तो नीचे की साइड देखोगे इसने रिजेक्शन दिखाया आज। ठीक है, तो कल को आइसर मोटर के लिए इंट्राडे के ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है मैंने ये। ठीक है, तो कल को आइसर मोटर को देखेंगे हम, बाय करके चल सकते हैं। अच्छा, इसका एक और रीजन था, एक प्योरली हमें कप शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिला है। तो अगर ये कप शेप का स्ट्रक्चर हमें ब्रेक होता है कल को, तो हम डेफिनेटली जो हमारा टारगेट रहेगा कल का, वो ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ कि 60 पॉइंट का। ठीक है, कम ज्यादा नहीं तो 2448, 2448 यानी 2450 तक का एक हमें मूव फर्दर देखने को मिल सकता है इंट्राडे के अंदर ही, यानी कल कल के दिन आइसर मोटर के अंदर। ठीक है, तो आइसर मोटर को भी अपने रडार के अंदर रखो, क्योंकि कप शेप स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रोंग होती है, जब भी ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत स्ट्रोंगली मूव होता है, तो इसको भी हम बाय करके चल सकते हैं कल को इंट्राडे के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों स्टॉक्स पसंद आए होंगे। इसी के साथ आप NMDC, अदानी एंटरप्राइजेज भी चेक कर सकते हो, उनके अंदर भी सेम बुलिशनेस देखने को मिल रही है, उनको आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो और उनके अंदर भी आप ट्रेड ले सकते हो। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर किया करो। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज संदीप, वी आर फ्रॉम सिंफ्रिन। जय हिंद।